Hi kids, hello everyone and welcome to an Academy Topper channel. This is your one-stop solution for physics, chemistry and biology. This is your favorite D-square और आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में. आज हम एक छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा सेशन रखा है क्योंकि कल से हम वी आर स्टार्टिंग विद द अभ्यास मॉक टेस्ट सीरीज. अच्छा, आप कितने बच्चे अभ्यास बुक के बारे में जानते हैं? मुझे काफी बच्चों ने बताया कि मैम शायद कुछ का आंसर्स में कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैंने कहा क्यों ना आप मेरे साथ सॉल्व करें. हाँ, अगर कुछ गड़बड़ है तो सामने निकाल लेते उस गड़बड़ को. तो अगर आपने अभ्यास बुक मेरी ली है या नहीं भी ली है तो अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल से मैं अपनी बुक जो कि इंडिया की टॉप सेलिंग बुक है, अमेजोन पे पिछले 4 महीने से नंबर 1 पोजीशन पे है, यू नो बेस्ट बुक अक्लेम्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड मेनी मोर प्लेसेस, उस बुक के कल से मैं कराने वाली हूँ आपको प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट. तो कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, तो पीछे की स्लाइड देखे स्किप मत बोला करो, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन भी लिया करो कभी. हाँ, सुनते ही नहीं है. तो कल से पहले हम क्या करने वाले हैं, कल से मेरी पूरी 1 वीक की सीरीज शुरू हो रही है. मुझे 7 टेस्ट कराने हैं आपको, ठीक है? 7 टेस्ट 7 डेज 7 टेस्ट, ठीक है? और ये सारे टेस्ट होंगे हमारे इंडिया के टॉप सेलिंग बुक के अभ्यास के, ठीक है? इसके अंदर का पूरा बायो सेक्शन आप मेरे साथ कल सुबह से सॉल्व करेंगे 11:30 पे. तो हर दिन सुबह 11:30 AM बिना कुछ सोचे समझे आपका टाइम फिक्स हो जाना चाहिए कि 11:30. मैं अभी तक 30 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा चुकी हूँ. मेरे को लास्ट के 15 कराने थे जिसमें से मैं 7 अभ्यास के कराऊंगी, ठीक है? यस. तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों ने भी मेरी बुक खरीदी है वो बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं खरीदी है वो भी आके इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? एंड सबसे अच्छी बात क्या है, कल हमारे top 3 विनर्स को 1000 के वाउचर्स मिलेंगे. यानी कि जो जो भी top 3 स्टूडेंट्स होंगे कल लीडर बोर्ड पे, हर बच्चे को, इन तीनों बच्चों को 1000 रुपीज के अमेजोन वाउचर्स मिलने वाले हैं मेरी तरफ से एज अ टोकन ऑफ लव. दैट्स इट, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव, नथिंग एल्स, ठीक है? तो ये बस आपके लिए मोटिवेशन के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है? तो कल से 11:30 बजे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर आपने मेरे साथ जुड़ना है और इसका लिंक मैंने वहां चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है. तो जोश कैसा है भाई, एक बार मुझे बढ़िया सा पता लग जाए ना चैट बॉक्स में तो मेरे को मजा आ गई. यस, मेरे को मजा सा आ जाएगा. क्या ना, जोश ना वहां से आता है, यहाँ से भी आता है तो वहां से भी आता है. जितना चैट तेज से चलती है ना उतना ना खून में उबाल आता है, जैसे टीचर के हर बोले हुए एक शब्द से उबाल आता है ना बच्चे के मन में, ऐसे ही चैट जब तेज से चलती है ना तो एक उबाल आता है टीचर के जहन में, यू नो कि अच्छा कोल्ड है कोई नहीं, तबीयत खराब है कोई नहीं. तो जैसे अभी बच्चों का एटीट्यूड चल रहा है ना चैट्स में, ये पता है ये क्या है, दिस इज मोटिवेशन फॉर मी, कंप्लीट मोटिवेशन कि चलो उठ बच्चों को पढ़ाने चल. इसी के साथ आज दूसरी अनाउंसमेंट है, कल हमने 8 चैप्टर्स क्लास 11th के कंप्लीट किए थे, जो 56,000 बच्चों ने देख लिया है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है? और आज हम 5 बजे ह्यूमन फिजियो के ट्रिक्स, फ्लो चार्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड PYQs, ये आज मैं कराने वाली हूँ इसी चैनल पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसके अलावा एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो सरप्राइज है फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज जो कि आते हैं नीट के 2022 तक. तो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है पिछले 10 साल का और जो सबसे बेस्ट फॉर्मूलाज है जहां से हर साल क्वेश्चन बनता है, विद क्वेश्चन मैं आपको PDF देने वाली हूँ, ठीक है? तो ये 3 सरप्राइज है, इसके बाद हम आगे चलते हैं पेपर सोल्यूशन पे, ठीक है? अन अकेडमी गोल, अब से जो भी बच्चा नेक्स्ट 5 दिनों तक सब्सक्रिप्शन लेगा मैम का प्यारा सा लकी कोड यूज करके, G2 जीत की निशानी है ये, ठीक है? उसको 25% ऑफ मिलने वाला है अपनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप आइकॉनिक ले आइकॉनिक कॉम्बो ले, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये कोड यूज कर सकते हो और हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है? हमारे जो बैचेस हैं, 2 बैचेस हैं मेरे, एक शौर्य बैच है 24 वालों के लिए, लक्ष्य बैच है 25 वालों के लिए. तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं बहुत मजे से, ठीक है? चलिए अब आज का टेस्ट शुरू करते हैं. बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए होंगे क्योंकि मैं इतने मॉक टेस्ट करा चुकी हूँ कि बच्चों को अब रिपीटेड लगने लग गया है. बट हमारा फंडा भी यही था कि इनको ऐसा फील कराना कि भाई आपने ये सब किया है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें बच्चों. चलिए अब आंसर्स की बाढ़ चाहिए, हमें ये पेपर 2 बजे से पहले कंप्लीट करना है, ठीक है?
अगर आप और मैं साथ में होंगे तो पेपर हमें 2 बजे से पहले कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है, विरोइड्स हैव डीएनए, दे हैव आरएनए ऑफ लो मॉलिक्युलर वेट, आरएनए एनक्लोज्ड इन कैप्सिड, ठीक है, डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। क्या आंसर बन रहा है भाई, बच्चा पार्टी? तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच इज अ पीवाईक्यू क्वेश्चन आल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव और हैव सम प्लॉइडी, सेम प्लॉइड इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन और एंथर की बात करें तो क्या सेम प्लॉइडी होती है बच्चों? नहीं, ये 2n है तो ये n है। मेल गैमीट एंड पॉलन ग्रेन, अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, मेल गैमेटोफाइट को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं, तो दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड है। सीड एंड एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो सीड तो 2n होता है, एंडोस्पर्म 3n होता है। एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल 2n है, तो एम्ब्रियो सैक n है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आंसर यहाँ पे सिर्फ एक बनता हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सही है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट हमारा, हु एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रपोज्ड द टर्म रिकॉम्बिनेशन। ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई किसने क्रोमोसोमल थियरी दी, ये कह रहे हैं किसने एक्सपेरिमेंटली उसे वेरीफाई किया। तो ये शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, जब आप आंसर टिक करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले थे हमारे टीएच मॉर्गन। कौन थे बच्चों? वो थे हमारे टीएच मॉर्गन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एल्गा। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है नीट के, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, कॉलोनियल एल्गा की बात करें तो वो है जो वॉल्वो में घूमता है। वॉल्वो एक बस होती है, बस के अंदर 30 लोग होते हैं, 30 लोग का मतलब एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी का मतलब वॉल्वो होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या याद रखेंगे, वॉल्वो से आप रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 30 सीट्स होती है ना। चलिए, द फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स, कल बताया था, ठीक है। नीचे से पानी बढ़ रहा है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रही है, मिड रिब है, मिड रिब का एंड पार्ट में एक पोर है, हाइड्रोथॉर्ड, वहां से सुबह सुबह टिप टिप बरसा पानी है। दिस फिनोमिना, ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज गटेशन, ठीक है। इस फिनोमिना को हम गटेशन बोलते हैं, बट ये जो फिनोमिना है किसके कारण होता है, अगर यहाँ पे उसका रीजन पूछ लिया नीट एग्जाम में, रीजन व्हाट इज द रीजन ऑफ गटेशन, तो आंसर रूट प्रेशर जाता। तो यानी कि यहां से 2 क्वेश्चन मेरे बनते हुए, एक रूट प्रेशर का ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जब भी आप नीट में देखेंगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहले गोला लगाएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल गलती ना करें एग्जाम के टाइम पे। एनपीपीस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हर्बीवोर, बिल्कुल सही है। एनपीपी इज लेस देन जीपीपी, बिल्कुल सही है। जीपीपी इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वेयर एज एनपीपी इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, गलत। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जो कंज्यूमर बना रहा है ना, जो कंज्यूमर बनाता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये वाला गलत हो गया हमारा। जीपीपी इज रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जहां पे जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इट रिमेन्स अटैच टू प्लेसेंटा इज, अगर स्टॉक पूछा है तो आंसर फ्यूनिकल जाएगा, क्योंकि फ्यूनिकल वो एक डंडानुमा स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? डंडानुमा स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल और प्लेसेंटा को आपस में अटैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर फ्यूनिकल जाएगा, अगर स्टॉक है तो आंसर क्या जाएगा? फ्यूनिकल। स्टॉक है तो आंसर क्या जाएगा? फ्यूनिकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ इन लाइट रिएक्शन, कल ही हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन, प्लास्टोक्विनोन क्या थी ट्रिक, एक बार ट्रिक बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में। प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, यही थी ट्रिक। अब आते हैं, दिस एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डज नॉट एक्सेप्ट एच प्लस, ओके ठीक है। इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 साइटोक्रोम B6, ये है प्लास्टोक्विनोन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम बी टू PS1, क्या आंसर होगा मेरे बच्चों? कल बताया था ना मैम ने, प्रियंका चोपड़ा। अगर आपको प्रियंका चोपड़ा याद है तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा नीट एग्जाम में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द मैच ऑफ फॉलोइंग, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। जो सैक्रोमाइसिस सेरेविस होता है उसका काम क्या होता है? या तो चकना बनाएगा या दारू बनाएगा, है ना भाई। बेकिंग इंडस्ट्री में CO2 रिलीज करता है।
मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन रिलीज करते हैं, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, लैक्टोबैसिलस मेकिंग ऑफ कर्ड। तो ए का हो गया टू, अरे बाप रे इतना इजी क्वेश्चन, ये तो बच्चे अभी दे देंगे आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉट सीड डॉर्मेंसी एक्सेप्ट, सबके सब चाहते हैं कि सीड जर्मिनेट ना करे, अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उसे सीड डॉर्मेंसी कह रहे हैं, और सीड जर्मिनेशन जी फॉर जी स्क्वायर, ठीक है, जी से जी स्क्वायर, अगर जर्मिनेशन मुझे कराना है तो मुझे गिबरलिंस चाहिए होंगे, तो यानी कि इसका आंसर सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा, जिबरलिंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिबरलिंस जी से स्टार्ट होता है और जी से इसका एक फंक्शन होता है जर्मिनेशन, तो यानी कि जिबरलिंस आर गोइंग टू ब्रेक सीड डॉर्मेंसी बट नॉट प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एंजाइम इज कैपेबल ऑफ ओपनिंग डीएनए हेलिक्स एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करा रहा है और ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करा रहा है, आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर क्या होगा, यस, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है, और जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो डीएनए को खोलने का काम और आरएनए को बनाने का काम, दोनों काम एक ही एंजाइम का होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, 2019 का सवाल नीट का, ठीक है। अगर यहीं पे रेप्लिकेशन की बात होती, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए खोलता है उस एंजाइम का नाम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज, क्या नाम होता है उस एंजाइम का, हेलिकेज, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, तीन कंडीशन होती है, एक होती है हाइपोगाइनस, एक होती है एपिगाइनस, एक होती है पेरिगाइनस, हाइपो इसके अंदर सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी, पेरिगाइनस में थैलमस वाली अलग वाली लोकेशन पे, ठीक है ना। अब ये इंफीरियर, तो एपी, एपी गोआ, ठीक है, क्यों जा रही है रे, ठीक है, एपी गोआ क्यों जा रही है, एपी कुकू के साथ गोवा क्यों जा रही है रे, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, एपी कुकू के साथ गोवा क्यों जा रही है रे, ठीक है, तो एपी मींस एपिगाइनस, कुकू मींस कुकुम्बर, ठीक है, ये गोवा मींस गुआवा, रे माने रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, प्लम के केस में पेरिगाइनस सिचुएशन होगी, ठीक है, मस्टर्ड के केस में हाइपोगाइना सिचुएशन होगी, ठीक है। चलिए नाउ चूज द इनकरेक्ट वन फॉर द जी नॉट स्टेज, जी नॉट स्टेज के लिए इनकरेक्ट बताना है, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है बिल्कुल सही है, सेल्स दैट एग्जिट G1 फेज एंटर जी नॉट स्टेज बिल्कुल सही है, सेल्स इन दिस स्टेज अंडरगो प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल सही है, सेल्स दैट एंटर जी नॉट स्टेज कैन नेवर प्रोलिफरेट, जब ये शब्द आते हैं ना, देखो बेटा जितने भी बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, अगर आपके क्वेश्चन में ऑल आ रहा है, आपके क्वेश्चन में नेवर आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, ठीक है, ओनली आ रहा है, अगर ये चार शब्द आपके स्टेटमेंट में बन रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाना, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड की प्यार की तरह है, धोखा कभी भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको ये चार शब्द दिखेंगे अपना एक स्टॉप ले लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो नेवर शब्द है ना, ये गलत है, क्योंकि अगर हम इनको बोलेंगे, बुलाएंगे कि आओ डिवाइड करो तो कर जाएंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द G2 फेज, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, गलत, क्योंकि ये तो S फेज में होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, गॉल्जी बॉडी डुप्लीकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल फॉर्मेशन, तीनों चीजों का फॉर्मेशन एस फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, ये दो बेस पेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, देन द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज हैप्लॉइड मैमेलियन इज दिस, देन द लेंथ वुड बी, अरे भाई जब डिप्लॉयड होता है तो लेंथ 2.2 मीटर होती है, जब हैप्लॉयड है तो लेंथ क्या होगी, जल्दी से बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में, यस बच्चों क्या होएगा आंसर, आंसर होगा इसका नीट का PYQ क्वेश्चन है, आधे बच्चों को तो रटा ही होगा 1.12 मीटर, क्योंकि ये हैप्लॉयड पूछ रहा है, अगर डिप्लॉयड कंडीशन पूछेगा तो 2.2 मीटर लगा के आएंगे, ठीक है। लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसे बोलते हैं, जहां से धरती का
20% तक ऑक्सीजन आता है, उसे हम कहते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। अमेजोन फॉरेस्ट में स्पीशीज रिचनेस भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यहीं से मिलते हैं, सबसे ज्यादा इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमें यहीं से मिलती है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पे, नाइट्रोजिनेज। जैसे ही नाइट्रोजिनेज आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में पता है कौन आती है? मोनी। मोनी कौन है मुझे क्या बता? मेरे दिमाग में सबसे पहले मोनी आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये मेरी ट्रिक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम को काम करने के लिए मॉलिब्डेनम चाहिए होता है। अब देखते हैं कि आंसर बन भी रहा है नहीं। ठीक है, कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया, बिल्कुल सही है। एक्टिविटी सीन इन नोड्यूल्स ऑफ सीरल्स, नहीं हुई हुई। कॉपर एफी प्रोटीन, ना जी ना, दिस इज मॉलिब्डेनम एफी प्रोटीन, यहाँ पे मॉलिब्डेनम आएगा। चलो भाई, कहीं तो हमारी हेल्प हो रही है। फिक्सेस नाइट्रोजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई क्या आंसर है? 17 का आंसर क्या होगा? आई थिंक यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे बच्चों ने दे दिया, ये होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि N2 से मुझे रिएक्शन में 2NH3 मिलता है, इसके लिए मुझे 16 ATP खर्च करना पड़ता है, तो ये एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, प्राइमरी का पी है, पी से पदनीसा। ठीक है, अब पौ से क्या याद रखना? फिजिकल, यानी कि इसके केस में हम कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसमें प्रोड्यूसेस एक्टिवेटेड स्लज नहीं, एनरोबिक नहीं, इज अ फिजिकल प्रोसेस। देखो, मैंने अभी तक ऑप्शंस भी नहीं देखे थे, आंसर पहले ही बता दिया, क्योंकि आई वाज डेड श्योर कि प्राइमरी माने पी, पी माने फिजिकल, है ना। अब मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी है कि यही मेरा आंसर होगा, सीधा 4 नंबर मेरी पॉकेट में आएंगे। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। अब रॉन्ग मैच हमें यहां से चूज करना है। चलिए, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन से होता है, बिल्कुल सही बात, इसी में बोलो जय माता दी। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है? ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। ठीक है, हीमोफिलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। फिनाइल किटोनोरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक डिसऑर्डर, बट अगर इसे हम कहें और बेटर आंसर होता तो यहाँ पे रिसेसिव भी लिखा होता। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी फोर्थ ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट है, बट थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया है। नेक्स्ट, इन अ न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमली। अच्छा, ओके भाई, न्यूली कॉलोनाइज्ड है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन बढ़ाने में काम करेगा? चलिए बताइए आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। न्यू जगह है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि स्नेहल गई है नई जगह पे, तो सबसे पहले वो क्या कहेगी? चचा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, सब चचा यहाँ बहुत मजा है, एसी वैसी बहुत बढ़िया है, चचा हाँ हाँ चचा अपनी फुप्पी को भी लेके आना, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हम लोगों को बुलाना शुरू करेंगे, और जब बुलाना शुरू करते हैं तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन है ना, दूसरों को बुलाने का प्रोसेस, वो सबसे बढ़िया चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। अगर फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो ये C2 साइकिल होती है, जो कि डाइकॉट प्लांट्स में होती है, मोनोकॉट्स में कभी होती ही नहीं है। यहाँ पे जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, ना कि वो काम करता है कार्बोक्सिलेज की तरह। इट डज नॉट प्रोड्यूस ATP और NADPH, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके, इन फर्स्ट स्टेप वन मॉलिक्यूल ऑफ PGN एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म। तो यार 3 तो सही है, तो पहले वाला ही हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन फिक्सेशन होता है, उल्टा काम होता है, इसमें वेस्टफुल प्रोसेस है। अब आइए बोरोन, ट्रिक बता दो जल्दी से, बस ट्रिक बताएंगे। जिन बच्चों ने कल मेरा सेशन देखा है, उस सेशन से भी सारे क्वेश्चन निकाल के दिखा दूंगी मैं तुम्हें। यस, जल्दी बताइए, बोरोन, यस, बॉल एंड जर्मिनेशन, बोरोन मींस बॉल एंड जर्मिनेशन। ये देखिए, कंपोनेंट फाउंड इन फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ये तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, कैल्शियम, चलो फिर दूसरे से सॉल्व करते हैं। मिडिल लेयर मिला हो गया कैल्शियम, मोनी हो गया नाइट्रोजिनेज, आयरन हो गया ये क्लोरोफिल, ये अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, यही बनाना पड़ेगा आंसर। थोड़ा सा मुझे कुछ लगता हुआ डर इस क्वेश्चन में, सी का तो हो, वन का हो, ए का हो गया 2, तुम आंसर क्यों दे रहे हो अलग? आंसर तो ये बन रहा है, तुम आंसर बी क्यों दे रहे थे भाई? है भाई, तुम आंसर क्यों बी दे रहे थे? मुझे कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है, ये ना मैं यहाँ पे ऐसे अपनी फेंकी जा रही हूँ पढ़ाइयाँ, ये देखो आओ बॉल एंड जर्मिनेशन से आंसर निकाल, ऑप्शन है नहीं, इससे बड़ी बेस्ती हो नहीं सकती।
ठीक है चलो अब मैं थोड़ा कम बोलूंगी, आओ बेटा सॉल्व करते पेपर। इन यूकेरियोट्स व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज अ साइट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, कल बताया था ग्लाइकोलिपिड बनता है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ठीक है कल ही बताया था बट अब मैं बोल नहीं रही, बेस्ती हो गई थी अभी, ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन इज एन एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से ना बल्कि कहीं और से बनती है, ठीक है नॉट फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से नहीं बनती है, तो जैसे कि आपकी बनियन ट्री हो गया, वो ऐसी शाखाएं निकलती है ना चुड़ैलों वाली, यस तो वो हो गई आंसर प्रॉप रूट्स, इसका आंसर क्या हो गया प्रॉप रूट्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाफ इंफीरियर ओवरी यानी कि पेरीगाइनस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है पेरीगाइनस की, ठीक है पीच ने पेरी को, पेरी ने पीच को पिच पर रोज दिया, तो यानी कि आंसर क्या हो गया इसका पीच हो गया, क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन है पेरीगाइनस सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है पेरीगाइनस, तो 25th का आंसर वन ऑप्शन बनेगा नहीं बनेगा भाई, अगर आपको ट्रिक्स याद है तो आप देख रहे हैं मैम कितनी आसानी से सॉल्व कर रही है सवाल, ओनली ट्रिक्स का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑर्गन फॉर द हार्ट वुड, दिल का होता है बिल्कुल अंदर, दिल का होता है बिल्कुल अंदर, और दिल में जब कोई बस जाता है ना तो फिर वो किसी को नहीं पसंद करता, नो कंडक्शन ऑफ वाटर, नो कंडक्शन ऑफ वाटर और बिल्कुल अंदर समान बिल्कुल भरा होता है खून से, डार्क इन कलर, डज नॉट कंडक्ट वाटर, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, इनर मोस्ट सेकेंडरी सेल, हाँ ये आउटर मोस्ट गलत है मेरे बच्चों, ये तो होगी सैप वुड, ये बनाएगा आपका सैप वुड, कैसे याद रखेंगे दिल होता है अंदर, उसको बचाना बहुत जरूरी है, कोई चुरा के ले गया चुराने वाला तेरा आशिक, ठीक है। लेडी बर्ड इज यूज टू कंट्रोल व्हाट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट है, एफिड्स इसका आंसर होगा, ठीक है जो लेडी बर्ड होती है वो साइकिल की बात नहीं हो रही है, लेडी बर्ड वाली साइकिल, साइकिल वाली बात नहीं हो रही है, एफिड्स ही है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कल बताया था, एट हाउ मेनी स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन आकर, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, आई विल वेट फॉर योर आंसर, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कितने स्टेप पे रिमूवल ऑफ सीओ टू हो रहा है, कल मैंने पूरी ट्रिक भी समझाई थी, मैंने ये भी बताया था कितने स्टेप पे एनएडीएच टू निकलेगा, ये भी बताया था कितने स्टेप पे सीओ टू निकलेगी, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो ये आंसर आपके लिए खिलौने हैं, सर बता रही हूँ, यस आंसर क्या है आंसर ये पक्का, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि जब सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है तो 6 कार्बन से 5 कार्बन है यानी एक CO2 निकलेगा, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है तो ये 4 कार्बन का होता है यानी कि यहाँ पे एक CO2 निकलता है, तो 2 स्टेप ऐसे पूरे क्रेब्स साइकिल में जहां पे CO2 निकलता है, ठीक है। चलिए इफ अ कपल हैज ब्लड ग्रुप AB ओके एंड O, ये हो गया AB and O, ठीक है which of the given blood group can be seen in their children, AB, क्या आंसर है, क्या आंसर आया भाई, अगर ब्लड ग्रुप AB एंड O है तो बच्चे के जो ब्लड ग्रुप होंगे वो क्या हो सकते हैं, उस केस में ब्लड ग्रुप A एंड B हो सकता है, अगर आपको समझ नहीं आया तो साथ में मैंने पुनेट स्क्वायर बनाया है वहां से देखिए, ठीक है। चलिए which plant hormone stimulates internodal elongation in plants, हाइट कौन बढ़ा रहे भाई, शुगर केन की हाइट कौन बढ़ा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर एक ही है जिबरलिंस, तो जिबरलिन के 4 फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, एक तो माल्टिंग कराएगा ब्रूअरी इंडस्ट्री में, ठीक है रोजेट अरेंजमेंट सही करेगा एक जर्मिनेशन कराएगा और स्टेम इलोंगेशन कराएगा, ये 4 आपने याद करने ही करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA इज इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो सबसे पहले गोला लगाइए, द टू स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल, सही बात है, adenine pair with thymine with 2 hydrogen bond, purine always pairs with pyrimidine, guanine pair with cytosine with 3 hydrogen bonds, I think answer तो हमारा पहले ही आ गया, कैसे जा रहे टेस्ट मेरे बच्चों, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, नीट का PYQ क्वेश्चन लास्ट ईयर का 32 क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ tRNA, tRNA से ज्वाइन करता अमीनो एसिड, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ही होगा, उसके बाद ही, उसके बाद ही, ठीक है। चलिए फ्लोरिडिन स्टार्च स्टोर्ड फूड मटेरियल फॉर, कौन सी एल्गी में मिलता है फ्लोरिडिन स्टार्च, कौन सा आंसर है पोरफायरा, पोरफायरा आंसर है, इसके अंदर मिलेगा फ्लोरिडिन स्टार्च। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रोबाइली और कोन्स आर नॉट फाउंड इन, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके अंदर हमें नहीं मिलते, तो इसका आंसर क्या है मर्केंशिया, ठीक है ये हमारा आंसर। नेक्स्ट चलो भाई मेंडल के ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो
यस, मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी कैरेक्टर्स? कैरेक्टर उसने 7 लिए थे, बट वैरायटी कितनी ली थी? 14. कैरेक्टर कितने थे? 7 थे, बट उसके ट्रेड्स कितने थे? 14. तो 7 and 14 इज द आंसर. इसे उल्टा मत कराना, उल्टा भी ऑप्शन में दिया हुआ है. भूल हुई, दुर्घटना घटी. ठीक है. स्नो ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया बाय यूवीवी, बिल्कुल सही है. डैमेज ऑफ कॉर्निया बाय ग्रीन हाउस गैसेस गलत. एक्सपोजर ऑफ रेटिना बाय सीएफसी गलत. ब्लाइंडनेस ऑफ आई, नहीं जी नहीं यार, ब्लाइंडनेस नहीं हो रही, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो रही है बिकॉज ऑफ यूवीबी. ठीक है. नेक्स्ट मैच, मैंने बताया था जरूरी है. सबसे पहले लड़की के पास जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? बुके लेके जाएंगे. तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन. ये देखिए, जाइगोटीन में क्या हो रहा है? बाइवलेंट फॉर्मेशन, जोड़ा बन जाएगा ना, बुके देने के बाद जोड़ा बन जाता है. वैलेंटाइन्स डे पे तुमने देखा नहीं है, ऐसी चॉकलेट देते हो उसमें एक दिल होता है, ऐसा टक करके निकाल दो, दिल जुड़ जाता है. डिप्लोटीन, दी एंड, डिसोल्यूशन, देखो डी डी. ठीक है. पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर. तो ए का हो गया 3, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी बनती है सारी लव स्टोरी. इंक्लूजन बॉडीज, ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ये प्रोकैरियोट्स में हमें मिलती है. आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन. आर फाउंड इन न्यूक्लियस, गलत. आर फाउंड इन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है. ये होगा इसका आंसर, क्योंकि दे आर द बॉडीज विच स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, है ना. नीट का क्वेश्चन है. चलो, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर. वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग. ओके, रिंग. ओके, यानी कि अलग अलग उस पे है, रेडियस पे. हाइपोडर्मिस इज कॉल्ड एंड काइमेटस. ओके, हाइपोडर्मिस है तो यानी कि स्टेम की बात हो रही है. पहले तो रूट वालों को तो निकाल के फेंको बाहर. अगर हाइपोडर्मिस है तो सबसे पहले तो रूट वालों को निकालो बाहर, फेंको इनको. ठीक है. अब आते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट. सिंस हाइपोडर्मिस कॉल्ड एंड काइमेटस है तो डाइकॉट स्टेम होगी. अगर यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस होता तो आंसर, खैर ए के ऑप्शन से आंसर आ गया. अगर यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस होता तो आंसर मोनोकॉट स्टेम जाती टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ना मेरे बच्चों. चलिए, पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट्स इन. पॉलिनेशन इनके केस में किस में हो रही है? इंसेक्ट के द्वारा. आंसर है उसका वाटर लिली, जिसे हम पिस्टिया बोलते हैं, या फिर आंसर हो सकता है इसका वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होती है वो विंड और इंसेक्ट की मदद से होती है. और सबसे ज्यादा नीट का क्वेश्चन. नाउ अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड इज 15 लाख से ज्यादा. हम स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं ना मेरे बच्चों, 15 लाख से ज्यादा. ये है, अगर यहाँ पे मे के बारे में पूछ रहे, रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे ने कहा था कि भाई इतनी स्पीशीज हैं, बट अभी तक जो हमने डिस्कवर कर लिया, जिन्हें हमने डिस्क्राइब कर लिया, वो 1.5 मिलियन है. ठीक है, जिसमें प्लांट्स कम है एनिमल्स ज्यादा है. नेक्स्ट, इन जियोमेट्रिकल ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू. अभी क्या है, पहले ग्रोथ हुई फिर ये स्लो हो गई. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, और जब स्लो हो जाते हैं ग्रोथ तो उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं. क्यों कहते हैं इसे स्टेशनरी फेज? क्योंकि भाई ग्रोथ हो गई, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, स्टेशनरी हो गई. या आपके साथ भी आता है, आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद क्या होता है, नंबर आते हैं, बट इनके मॉक टेस्ट में नंबर ना एक नंबर पे अटक जाते हैं. किसी के 400 पे, किसी के 500 पे, किसी के 600 पे, किसी के 740 पे भी, सपनों में. यस, अटक जाते हैं. ये बच्चों के साथ भी होता है, ऐसे नहीं प्लांट के साथ हो रहे, आपके साथ भी होता है. दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट. अब आपको कुछ नया करना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे थे, आपको अपने कंफर्ट जोन से. तो जहां पे आपके मार्क्स अटक जाते हैं ना बच्चों, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जहां आपके मार्क्स अटक जाते हैं दैट इज अ पॉइंट व्हेन यू नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स. क्योंकि अब जो ओल्ड है उससे बस इतना ही मिलेगा, जब तक नया ट्राई नहीं करोगे अब कुछ नहीं मिलेगा. नया करना पड़ेगा भाई मार्क्स लाने के लिए, ये बात याद रखना मेरी, गांठ बांध लो ये बात. अगर आपके मार्क्स 300 पे अटक गए हैं बायो में तो नए क्वेश्चन उठाओ, कुछ तो नया करना पड़ेगा भाई, वरना मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो तब होगा. हर बच्चा इस टाइम इसी चीज से गुजर रहा है, मैं आपको लिख के बता सकती हूँ. एक एक बच्चे बात करके, अभी मैं चैट्स में उससे उठा लूँ ना बच्चों को, हर बच्चा ये कहेगा मैम मेरे मार्क्स अटके हुए हैं इस टाइम पे. रीजन ही यही है, बिकॉज यू हैव स्टॉप इम्प्रोवाइजिंग, आपने नई चीज लर्न करना छोड़ दिया है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन से रिलेटेड था. ये जो प्रोटोकॉल था ये इफेक्टिव पूछा है ना, 1987 में इफेक्टिव हुआ था. ठीक
ठीक है, इफेक्टिव 1987 में हुआ था, आया 1981 में होगा, ठीक है, ये है इसकी कहानी। नहीं, 1987 में आया था, सॉरी, इसमें आया था, इफेक्टिव 1989 में हुआ था। ये क्वेश्चन मेरे से मॉक टेस्ट में भी गड़बड़ हुआ था, इसलिए मुझे याद आ गया। 1989 में इफेक्टिव हुआ था और 1987 में आया था, तो यहाँ पे इफेक्टिव ईयर पूछ रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो, घुमा रहा है। हम घूमे नहीं, पहले हम घूम गए थे बट हमने फिर उसको पकड़ लिया। यस, रीड द बिलो गिवन फूड चेन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। क्रॉप ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को स्पैरो खाती है, स्पैरो को बड़ी चिड़िया खाती है। ग्रास होपर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे बिल्कुल सही है। क्रॉप जो है ट्रांसड्यूसर है, प्रोड्यूसर सुना था, ट्रांसड्यूसर तो मैंने आज तक नहीं सुना। स्पैरो क्या है, हमारी प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, फैलकॉन टॉप कंज्यूमर है। सही है, 44 का आंसर क्या बनेगा, थर्ड ही बनेगा भाई, ये ज्यादा गलत लग रहा है। ट्रांसड्यूसर, मेरे को थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, आपकी भी अगर कमजोर है तो ये आंसर लगा देते हैं, क्योंकि देखो वी आर श्योर अबाउट स्पैरो कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब क्या करें बेटा, अंग्रेजी पे ध्यान ही नहीं दिए स्कूल में। टर्मिनलाइजेशन, दी एंड कब हो रहा है, डायकाइनेसिस में। अगर टर्मिनलाइजेशन है, दी एंड कब करेंगे हम, अरे मेरी पेंसिल काम करना फिर बंद कर दी, रुको बेटा एक सेकेंड, इसको क्या हो जाता है बीच बीच में, मजे लेने लगती है। एक सेकेंड बच्चों, इसके भी मजे खत्म नहीं हो रहे जिंदगी में, सबके अपने अपने मजे चल रहे हैं आजकल, सर बता रही हूँ मैं तुम्हें, हर को मजे लेने हैं। चलो तुम इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। अब दीदी देखो कब पेयरिंग अनसक्सेसफुल हो रही है, ये अब या तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कराएगी तब काम करेगी। दीदी 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 प्लीज बात सुनो ना, दीदी क्या करूं बेटा, क्या करूं, काम ही नहीं करके दे रहा, कनेक्ट हो जा दीदी, दीदी कनेक्ट हुई क्या दीदी, लेट मी चेक, दीदी नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड दीदी, नॉट कनेक्टेड येट दीदी, दीदी मजे मत लो बेटा, दीदी मजे ले रही है, मैं क्या करूं, सिस्टम को वापस मुझे, अरे सेशन होगा बस एक सेकंड लगेगा मुझे स्विच ऑफ स्विच ऑन करने में, अभी कर रही हूं। एक तो इतना कोल्ड हो रहा है, ऊपर से दीदी को भी मैं ही मिलती हूँ मजे लेने के लिए। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम, तब तक तो मेरे गाने सुनो, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम, कुड़ियों को तूने दन डाला, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम, कुड़ियों का है जमाना। एक सेकंड, कर रहे हैं, दीदी को खुश करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, क्या करें बेटा, एक तो इतनी गर्मी हो गई है दिल्ली में, लेट्स चेक, ओके दीदी स्टिल नॉट वर्किंग, चलो कोई नहीं, दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे काम कर जा यार, बच्चे वेट कर रहे हैं, इसको भी अभी मजे लेने होते हैं, अब कर जाए। आंसर क्या इसका, डायकाइनेसिस, क्या आंसर इसका, डायकाइनेसिस। चलो नेक्स्ट पे आएंगे, 46 पे, द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर, कितनी है इसकी, 680 नैनोमीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे PS1 होता तो उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितने पे आता, 700 नैनोमीटर पे, तब कितने पे आता, 700 नैनोमीटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कॉमनली बाय कोनिडियास, किसके थ्रू, कोनिडिया, इसका आंसर एस्कोमाइसिटिस का क्या है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, क्या इसका एग्जाम्पल, पेनिसिलियम नोटैटम।
नेक्स्ट है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर फाउंड इन, जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं वो किस में मिलते हैं हमें, लिली में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्स सी टू कंजर्वेशन टेक्निक, अगर एक्स सी टू निकालना है तो चलिए देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सी टू, ये भी इन सी टू, इन सी टू वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इज एक्स सी टू, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नाउ चूज अ ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन होती है, सीओ टू भी होती है, सी एफ सी भी होती है, एसओ टू नहीं होती है, क्योंकि एसओ टू को हटाने के लिए स्क्रबर यूज होता है। क्या यूज होता है दीपिका, क्या यूज होता है दीपिका, स्क्रबर यूज होता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में। तो ये बॉटनी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट विद जुआलॉजी सेक्शन, ठीक है, ऑल द बेस्ट स्माइल के साथ, चले लेट स्टार्ट विद जुआलॉजी, एक गुड पानी पी लू पहले। दो बजिया ना, क्या करें, कोई नहीं जल्दी करते हैं, चलो स्पीड पकड़ते हैं। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ओनली दोज एग्जांपल व्हिच आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज वेल एज एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी ऐसे नेचुरल सिलेक्शन जहां पे इंसान ने भी कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी की है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, यस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यस। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, यस। मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डॉग्स, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो ए बी सी ऑप्शन है 51, है ना आंसर, ऑप्शन ये रहा, ये रहा, ये रहा ऑप्शन सही आंसर। चलो नाउ सेकंड पोलो बॉडी ड्यूरिंग ऊ जेनेसिस इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं, बिफोर ओवुलेशन नहीं, व्हेन स्पर्म एंटर इन सेकेंडरी ओसाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तब बनती है हमारी सेकेंड पोलो बॉडी, क्योंकि तब कंप्लीट होती है हमारी मियोसिस टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर डिफेंस एक्शन, इसका आंसर है स्ट्रैकनिन एंड निकोटिन, ठीक है, निकोटिन लो और सीधा बेहोश हो जाओ, सोचो मच्छर आ रहा है, मच्छर ने निकोटिन का पत्ता खा लिया, सोचो वो कहेगा मैं एनर्जेटिक हूँ, उड़ते 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 बेहोश, है ना सोचो ऐसे हुआ तो, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हिसारडील जो है कहाँ पे बनी थी, पंजाब में बनी थी, इट इज अ क्रॉस ब्रीड, ठीक है, बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, कई बार ऐसे इमेजिन करना चाहिए ना, मजा आता है इमेजिन करके। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विच एंटर्स इन ह्यूमन ब्लड ऑन द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज़ स्पोरोज़ोइट, तो जो गिफ्ट देके जाती है ना हमारी मादा मच्छर वो होती है स्पोरोज़ोइट, ठीक है। नेक्स्ट, मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था, 600 तो था ही नहीं, पहले तो 600 काटो, 800 था, 800 था, 800 था, वाटर वेपर था, वाटर वेपर था, इसमें वाटर वेपर नहीं है, इसको भी काटो, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसलिए क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 3। देख लो मैम ने कैसे सॉल्व किया, काटो काटो काटो, सीधा डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, इट इज इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर इन होस्ट सेल, इट इज कंट्रोल्ड बाय ओराई सीक्वेंस, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिलेक्टेबल मार्कर, डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर और कॉपी नंबर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कॉलुमनार एपिथीलियम, क्यूबॉइडल नहीं कॉलुमनार पूछ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, अगर यहीं पे कॉलुमनार की जगह क्यूबॉइडल होती तो आंसर मेरा पीसीटी जाता, तब मेरा आंसर क्या जाता, पीसीटी जाता। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द सेलेक्ट ऑप्शन, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस करता है, एलिफेंटियासिस वुचेरिया करता है, डिजेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, आ गया आंसर नंबर 1, यही बनेगा बच्चों। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बारे में कौन कौन सा ट्रू है देखते हैं, चलिए आइए। इन सेफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, सही बात है, इसका आंसर है एम्फियोक्सिस। यूरोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, ऑल वर्टिब्रेट्स आर जॉड, फॉल्स, ट्रू पूछा है ना, ए एंड बी आंसर है, ये रहा, यहाँ पे वेंट्रल आएगा, ठीक है बच्चों, कैसे आंसर निकाला देखा आपने मैम ने। चले, गॉबलेट सेल्स हमारे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, एक सेल से बने हैं जिनका काम होता है म्यूकस सिक्रीशन,
ठीक है, ये जो गॉबलेट सेल्स है ये हमें कॉलमनार एपिथीलियम में मिलेंगे, क्योंकि ये जो एपिथीलियम होती है दिस इज कॉलम शेप्ड, तो इसी के सेल्स मॉडिफाई होते हैं टू फॉर्म गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेसिस मेलोनेट एरा, तो ए का हो गया टू, ए का टू, ए का टू एरा, ये हो गया। बी का हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स वी हैव इन सेलुलोज काइटिन, दोनों में ही होती है अच्छा सी का हो गया थ्री, सी का हो गया थ्री, ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, ये हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज मॉर्फीन विच इज अ पेन किलर। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, मुझे राइनो वायरस बिल्कुल तबाही मचा रखा मेरी नोज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिनोमेटा है, ये चिपटे कृमि होते हैं। चिपटे कृमि कौन होते हैं बच्चों? प्लाटी हेलमिंथस। कौन से होते हैं वो? प्लाटी हेलमिंथस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेट ऑफ कंडीशंस इन यूरिन विच आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। दो ऐसी बीमारी है जो बता रही है कि भाई आपको डायबिटीज हो सकता है, कीटोनूरिया है, विदाउट लिखा है ये गलत हो गया, ये होगा पॉलीयूरिया। एक तो सुसु बहुत आएगा, सुसु के अंदर ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज भी आएगा, कीटोन बॉडीज भी आएगी और उसके ऊपर चीटियां भी मंडराएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अच्छा, लेसिथिन में ग्लाइकोसिडिक नहीं होती, एस्टर बॉन्ड होती है, एस्टर बॉन्ड होती है, इसमें एस्टर बॉन्ड होती है, इसमें भी एस्टर बॉन्ड होती है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होती है। आंसर होगा ये वाला, एटेनिलिक एसिड है ना, न्यूक्लियोटाइड है, तो बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होती है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और जो ग्लाइकोजन में होती है वो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, मैं तो खेल रही थी, रमन कर रहा था। चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। सी पेप्टाइड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, सही बात है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड बाय ओनली वन डाइसल्फाइड लिंकेज। ह्यूमलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये एलर्जिक रिएक्शन करते तो हम कभी इंसुलिन यूज नहीं कर पाते जो कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना है। ठीक है, चलिए, द टी वेव इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, ये देखिए, धक 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 धक, टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल एसटीआई। चलिए, कैंसर एसटीआई नहीं है, मलेरिया एसटीआई नहीं है, कैंसर नहीं है, तो आंसर तो यही बनेगा, कोई डाउट मत रखना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ग्लूकागॉन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं, अगर ब्लड शुगर कम है तब ग्लूकागॉन निकलेगा और तब शुगर लेवल इंक्रीज होगा। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलिसिस, सही बात है। इंसुलिन इज अ हाइपर इट्स अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये ब्लड शुगर को कम करता है। इंसुलिन एक्ट ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। देखो भाई, यहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सुने तो उसने ये दिया है, तो इसलिए आंसर मजबूरन मुझे ये देना पड़ेगा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। ना आपके पास कोई ऑप्शन है, ना जीवन में मेरे पास कोई ऑप्शन है, आंसर ये देना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी, जय माता दी। इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स अपीयर एज ऑरेंज कलर ड्यू टू द स्टेनिंग ऑफ एथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेज। ये रहा 71 क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जायगोट और एम्ब्रियो टू 8 ब्लास्टोमेर एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड एज। पहला वाला तो जिफ्ट है, दूसरे वाला इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है? डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, बिकम फ्लैटेंड शेप्ड, ये फ्लैटेंड होगा, डोम से फ्लैटेंड हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नहीं भाई, छाती फूलती है जब इंस्पिरेशन होती है, फॉल्स, ये भी फॉल्स। इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव, ट्रू, क्योंकि बाहर से अंदर हवा आएगी ना तो अंदर कम होना चाहिए प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, सी एंड डी आंसर दे देते, यही आंसर बनेगा, सही है ना, सी आंसर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा 73,
पर्स रिब प्रोसेस, ग्लिनोइड कैविटी, क्लेविकल एंड आर्टिकुलेट्स, कुछ यहाँ पे लग रहा है गड़बड़ है ऑप्शन बनाने में, ठीक है। फॉल्स रिब्स वो होती है विच डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, ए का हो गया 4, ठीक है ये हो गया 2। अब आते सी, क्लेविकल्स एंड, अब क्लेविकल्स फ्लैट एक्सपैंडेड हैव टू कर्वेचर विद विद द स्कैपुला, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, बी का हो गया 2, एक्रोमियन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना इसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई है, निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको। सी का फ्लैट एक्सपेंशन ऑफ स्कैपुला कर देते हैं, इसका आंसर 1 दे देते हैं। थोड़ा सा ना इसमें प्रिंटिंग एरर नहीं लग रही तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा। यस, एक सेकेंड, सी का 1, अरे ये होगा आंसर, मैंने भी क्या कर दिया, ये होगा आंसर, ठीक है भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नर्वस सिस्टम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, यानी कि कॉकरोच की बात कर रहा है। वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन हेड, फॉल्स। ब्रेन सप्लाइज नर्व टू एंटर एंड कंपाउंड आईज, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सब ईसो, सुप्रा होगा, ईसोफेजियल, ठीक है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट विल इमीडिएटली डाई, ये भी गलत। तो आई थिंक आंसर यही करेक्ट बन रहा है, बाकी सब तो गलत ही दिख रहे हैं, है ना बच्चों, बाकी सब तो गलत ही दिख रहे हमें। नेक्स्ट, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, बीटी कॉटन जो है किसके लिए रेजिस्टेंट है? कॉटन बॉलवर्म विच बिलोंग टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, किसको बिलोंग करता है? लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है कॉटन बॉलवर्म, किसको करता है? इसी को करता है, लेपिडोप्टेरा, जिसके अंदर हमारी बटरफ्लाई आती है। एक सेकंड रुको यार, मेरे लिए तो आजकल सेशन लेना आफत का काम हो रहा है, ओल्ड ने तो जान ले ली मेरी। हाय, अब थोड़ी सी तसल्ली मिली है जीवन में, सही बता रही हूँ। वो होते थे ना पहले की आंटियां जो गुटखा थूकती रहती थी खा खा के, सुपारी, यस खाए, और ऐसे सच बता रही हूँ, मुझे भी एक यहाँ कंटेनर रखना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ना छिड़कनी पड़ेगी, सच बता रही हूँ, बहुत हालत खराब हो गई है कोल्ड ने। यस चलो भाई, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, चलिए। दे ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बिल्कुल सही है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, एनसीईआरटी की लाइन है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक रीजन सीक्वेंस, कट टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, अच्छा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डू नॉट कट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, थेरबाय प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ये डू नॉट कट द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड, क्या लग रहा है मेरे बच्चों, यही आंसर बनेगा? ये कुछ घपला सा लग रहा था स्टेटमेंट नंबर 4, है ना, घपला सा लग रहा था। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस, क्योंकि ओरिजिन डिफरेंट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेनली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल सही बात है। हाई PCO2 एट टिश्यू लेवल फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। लो पीएच एट एल्वुलर लेवल, एल्वुलर पे कभी लो पीएच होता नहीं है, हाई पीएच होता है। लो PCO2 एट एल्वुलर लेवल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। हमेशा जो कम पीएच रहेगा वो टिश्यू लेवल पे होता है, कभी एल्वुलाई लेवल पे नहीं होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द न्यूट्रल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, लाइसीन बेसिक है, न्यूट्रल है, टायरोसिन एरोमेटिक है, आंसर होगा वेलिन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, बेसिलस थ्रुनजिएंसिस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ए का हो गया 3, थर्मस एक्वेटिकस स्टैक पॉलीमरेज, बी का हो गया 2, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स TI प्लाज्मिड, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, यही आंसर आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेकियल सिस्टम जो है वो पेरिप्लेनेटा में मिलेगा, ए का 4, सिलिएटेड कॉम प्लेट्स हमारे टीनोफोरा में मिलेगी, प्लूरोब्रेके, इसमें आपको एग्जांपल्स बड़े अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप ये मैच ऑफ फॉलोइंग फोड़ सकते हैं। ये हो गया सी, बी का 3, ओके। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, ये मिलेगा कैलकेरियस एंडो, अंदर है
एकाइनस में, सी का हो गया टू, और ये हो गया मेंटल एंड शेल पाइला में, क्योंकि मेंटल इज अ फीचर ऑफ ऑल मोलस्का। नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग, बहुत मैच द फॉलोइंग करा रहे हैं भाई। पेरीमेट्रम सबसे बाहर वाली है, ए का हो गया टू। मायोमेट्रम मिडल वाली है स्मूथ मसल की, बी का हो गया थ्री, ये हो गया सी का वन। चलो भाई नेक्स्ट, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑल एक्सेप्ट, अगर बॉडी से खूब सारा सूसू जा रहा है तो सब एक्टिवेट होगा सिवाय एक चीज को छोड़ के, वो क्या होगा? रिलीज ऑफ एएनएफ, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट होगा तो सूसू और जाएगा, सूसू रोकना है। ठीक है बच्चों, सेलेक्ट द मिसमैच, डीएनए लाइगेसेस जॉइन एंड्स ऑफ कट डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सोन्यूक्लियर रिमूव फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, नहीं डीएनए पॉलीमरेज एड न्यूक्लियर ऑफ द स्ट्रैंड। न्यूक्लियस का काम होता है टू ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये तो हेलिकेज का फंक्शन दिया है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल, और इसे डिसअप्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्च, एलएच सर्च तभी आएगी जब एस्ट्रोजन उसे बुलाएगा, एस्ट्रोजन कहता है अरे आजा आजा अच्छा अच्छा आजा, एलएच कहता है आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ठीक है ऐसे चलता है इनके बीच में। द रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस ऑफ इको आर्गन हैज हाउ मेनी बेस पेयर, घातक होती है इसकी सीक्वेंस, है ना, घातक होती है, तो कितने बेस पेयर हो गए? छह हो गए ना, तो आंसर हो गया ये वाला। Which of the following converts trypsinogen into trypsin? Enterokinase करता है, और ये enterokinase कहाँ से आता है? या तो small intestine से। भूख लग रही है, भूख लग रही है मेरे को, भूख। चलो, match the following columns and select the correct option: eosinophils, basophils, neutrophils, monocytes. चले, most abundant of total WBCs, neutrophils, C का 4. ठीक है, next, ये भी same ही है। अब आते हैं ए पे चलते हैं सीधा, ए इज इओसिनोफिल, ये तो हो गया बी का थ्री, ये हो गया टू, ये हो गया ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, 90 क्वेश्चन सिर्फ 10 सवाल बचे, उसके बाद तुम घर जा सकते हो, घर वापसी हो सकती है तुम्हारी, चिंता मत करना, ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड है क्रेटिनिज्म, एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है एल्डोस्टेरोनिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है एक्रोमेगाली, पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड है टेटनी। तो ए का हो गया टू, बी का हो गया फोर, तो बन गया ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, प्लेसेंटा सिक्रीट्स एचपीएल, जूना पेल्यूसिडा सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी ओसाइड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, होमोलोगस टू बार्थुलिन ग्लैंड, लेडिक सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो ए का हो गया टू, तो वो ये बन गया ऑप्शन नंबर थ्री। कितने मैच द फॉलोइंग है भाई? अरे थका दिया आज से इस मैच द फॉलोइंग ने। किसी को ये चाहिए होगा तो पीडीएफ ले लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, बहुत ही ज्यादा इसमें मैच द फॉलोइंग है यार। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, साइक्लोस्टोम्स, ए का हो गया टू, आ गया मेरा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर मैच द फॉलोइंग है, बीटी कॉटन रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, ए का हो गया फोर, आ गया मेरा आंसर। बस इतने से ही फटाफट से आंसर भी आ रहा है। चलो मैं तुम्हारे लिए सारा सॉल्व कर देती हूँ। जीन थेरेपी एरा, आरएनए इंटरफेरेंस इज साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, पीसीआर इज इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सारे मैच ऑफ फॉलोइंग धरती के जितने हैं ना, आज इस टेस्ट में आ चुके हैं, धरती के जितने भी मैच ऑफ फॉलोइंग है। ठीक है, मैकुला ऑर्गन ऑफ कोटाई, मेलस एंड स्केलम मीडिया, स्केलम मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, डी का वन, डी का वन, डी का वन। चलो नेक्स्ट, मैकुला के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई कंटेन हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, बी का फोर, बी का फोर, बी का फोर, ये आ गया ऑप्शन नंबर वन आंसर। मेलस, ये तो हमारी हड्डी हो गई, attached to the malleus intercostates, macula, sacula and utricula. Chalo, the most abundant protein in the whole biosphere. Finally, match the following nahi hai. Answer hai rubisco. Agar animal world puchega, to answer hoga collagen. Theek hai? Agar animal world pucha hai, to collagen. Whole biosphere puch raha hai, to rubisco. Next, select the incorrect statement with respect to immunity. Aajo. Okay. Active immunity is slow. Takes time to give its full effective response. Okay. Passive immunity generates on exposure to antigen. Galat. Ye to bani banayi hoti hai. Antitoxin is an example of passive immunity.
आईजीए थ्रू कोलोस्ट्रम प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स, तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर टू. चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फोर ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन. वी हैव हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, थैलेमस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट इज इन मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो आंसर हो गया ये वाला. नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू क्रीनियल कैपेसिटी. मिसमैच ये सही है, सही है. ओके ये सही है. ये क्रोमैग्नॉन की थी, इतनी ज्यादा हमारी नहीं है, क्रोमैग्नॉन की होती थी, जो इजिप्ट वाले लोग होते ना बड़े सर वाले वो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इम्प्लांट्स. देयर कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू ओरल स्टेरॉयडल पिल्स. सही है, दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से बने होते हैं. देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू ओरल स्टेरॉयडल पिल्स. बिल्कुल सही है. देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच मोर लॉन्गर. दे इम्प्लांटेड इन यूट्रस. गलत. हैंड, यहाँ पे इंसिजन लगता है ना, यहाँ पे सबक्यूटेनियस इंसिजन, यहाँ पे लगता है इम्प्लांट्स. यूट्रस में तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लगती है. चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है ये. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट रीजन विद रेफरेंस टू अबव मेंशन स्टेटमेंट. करेक्ट पूछा है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर वैक्सीन सेफ्टी. गांधारी आंसर है ए बी सी डी. ये रही तुम्हारी आंसर की. चलो भाई आज का टेस्ट हो गया कंप्लीट. कल से टेस्ट शुरू होंगे स्पेशल क्लासेस पे 11:30 इन द मॉर्निंग. लिंक आई हैव शेयर्ड इन द चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी. ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा. आई थिंक यू पीपल हैव पार्टिसिपेटेड विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी आई हैव सीन ऑन यूट्यूब. ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स वर आंसरिंग इन द चैट्स एंड दैट इज आई थिंक द मोस्ट माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट्स आई ऑलवेज हैव ऑन यूट्यूब हु आर ऑलवेज एक्टिव. ऐसे बच्चे होते हैं मेरे पास हर साल जिनके पास लिटरली भूख होती है कि मुझे नीट क्लियर करना ही करना है. सो डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स, सलाम है आप सबको आपकी मेहनत के लिए. आई नो बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको जब रिजल्ट मिलेगा तो देखना खुशी भी डबल ट्रिपल ट्रबल होने वाली है. तो कल मिलते हैं सुबह 11:30 बजे. आई होप आई वुड लव टू सी ऑल माय 19,000 स्टूडेंट्स. अभी तक ये सेशन 19,000 बच्चे देख चुके हैं, तो आई वुड होप एवरीवन ऑफ यू 19,000 स्टूडेंट्स जॉइन मी टुमारो मॉर्निंग एट 11:30. लेट्स किल इट, लेट्स क्रैक इट, लेट्स नीट फोड़ू, राइट मेरे बच्चों. तो कल मिलते हैं बच्चों. अब देखो तुम कितने प्यारे बच्चे हो, मैम की नोज बहरी है फिर भी तुम देख रहे हो, है ना. देखो इतना रियलिस्टिक माहौल तुम्हें कहीं मिलता है, घरेलू वाला नहीं मिलता ना. तुमने कोई टीचर देखी जूड़ा बना के पढ़ा रही है? आजकल टीचर ऐसे ऐसे बाल बना के बिल्कुल बढ़िया से आते हैं, देखो अपन जूड़ा बना के आ जाते, गर्मी लग रही है भाई हमसे नहीं सहन हो रही है ना भाई. बिल्कुल रियलिस्टिक माहौल देती हूँ मैं तुम्हें, है ना. बिल्कुल टिश्यू अभी तक चेंज नहीं किया मैंने, वही टिश्यू चला रही हूँ सुबह से. तो ऐसा माहौल देखो, हमें हमेशा ना रियलिस्टिक रहना चाहिए बच्चों. ऐसा माहौल सिर्फ आपको मेरी क्लास में मिलेगा. ठीक है, तो कल सुबह 11:30 बजे मिलते हैं, साथ में मिलके फोड़ेंगे यार, साथ में जर्नी को आसान करेंगे. फिजिक्स की वीडियो आज आउट होगी, उसे जरूर देखना, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. बहुत रिसर्च करा के बनाई हमने. ठीक है, चलो बाय बाय, मेरे चुम्माओ, बाय, टेक केयर, बाय.